नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा लोगो डिजाइन। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके बॉटम साइड कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ शेप टूल का इस्तेमाल करके। तो सिंपली एक क्लिक में यहाँ करता हूँ शेप टूल का इस्तेमाल करके, ये नोड सेलेक्ट हो जाता है, बाकी सभी नोड डीसेलेक्ट हो जाते हैं। फिर शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं फुल राउंड कर देता हूँ, फिर कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे या फिर प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर्व कर लेते हैं। कर्व करने के बाद अभी यहाँ पर दो पॉइंट शो कर रहा है, तो एक पॉइंट यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और दूसरा वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को मैं यहाँ से लाकर अटैच करा देता हूँ। बिल्कुल सीधा आपको लाना है, वैसे कंट्रोल के साथ लाएंगे तो बिल्कुल सीधा ही आएगा। और फिर दूसरा वाला पॉइंट्स भी ला के यहाँ पर मिला देते हैं। तो जैसे आपने इस तरीके से लाइन को लाया, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर्व भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर इसमें कुछ और एडजस्टिंग करना है तो कर लें, बस इतना परफेक्ट है। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली अंदर की साइड ड्रैग करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ मैं कर लेता हूँ देखे पार्ट। और इस डिजाइन को हम चार भाग में डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करते हैं, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। फिर इसी का हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं रोटेट करा के, और इसको भी टॉप बॉटम से अलाइनमेंट करा लें। अलाइनमेंट कराने के बाद ये जो लाइन है इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, तो इसकी संख्या कर लेते हैं 2 पॉइंट और भी मैं बढ़ा देता हूँ। 2 की जगह मैं इसको 3 कर लेता हूँ और हल्का सा इसको मैं और टॉप साइड में रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नोड होने की वजह से ये एरिया कम लग रहा है। तो मैं सेंटर ना करके हल्का सा और टॉप साइड में कर लेता हूँ और फिर इस लाइन को सिर्फ कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेंगे। कर्व करने के बाद अब हम टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे, सिंपली इस पार्ट को फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर जो आप सिर्फ कंट्रोल क्यू से कर्व नहीं किए होते तो यहाँ पर स्पेस देखने को नहीं मिलता। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी के आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ और इसमें हम कलर फिल करते हैं। तो दो डिज़ाइन में हम ऑरेंज कलर रखेंगे और दो को सिलेक्ट करेंगे, इसमें स्यान कर लेते हैं, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसी कलर को मैं और डार्क कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद ये जो बाहर वाली आउटलाइन है इसके लाइन के विड्थ को मैं और बढ़ा देता हूँ, इसको यहाँ से कर लेते हैं 2 पॉइंट में कर लेता हूँ। और कलर जो है यहाँ पर हम रखेंगे ऑरेंज रख सकते हैं, सही है। और ये जो आपका एक रेक्टेंगल और है इसको चाहे डिलीट कर दे, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर इसमें हम टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, जैसे कि स्कूल का नाम है आर्यन कॉन्वेंट स्कूल, तो उसका शॉर्टकट मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं वाइट। ओके, यहाँ पर हम एक बुक सेट करेंगे, तो बुक सिंपली आपको फॉन्ट में भी मिल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करना है, तो यहाँ पर इंसर्ट कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करें, वैसे सिंबल फॉन्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ये वेडिंग्स करके फॉन्ट इसमें देखते हैं क्या मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर वेडिंग्स फॉन्ट में भी आपको बुक देखने को मिल जाता है। अब सिंपली बुक को भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, साइज इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, कलर इसका कर देते हैं वाइट। ओके, साइज थोड़ी सी और छोटी रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर तक नहीं आना चाहिए कोई भी टेक्स्ट, इन सभी टेक्स्ट की साइज भी थोड़ी थोड़ी छोटी कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, टूल्स में जाएंगे, सिंपली एक सर्कल यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसी का हम
डुप्लीकेट भी करेंगे। यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट कर लिया। टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ से कर देते हैं मिरर हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, फिर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो लेफ्ट और राइट से सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर लेंगे। टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली मैं इस पार्ट को फिल कर देता हूँ। उसके बाद इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं, ऐसा हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो कम स्पेस में एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्विस करके है फॉन्ट, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बोल्ड भी कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। पहले आप इसको करते हैं यहाँ से अनग्रुप, और फिर टेक्स्ट और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है फिट टेक्स्ट को, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से मैं कर देता हूँ मिरर टेक्स्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब इसको मैं यहाँ पर एक छोटा सा रेड पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, इससे आप खींचते हुए इसको ला के सेट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब इसकी साइज जो है आप और बढ़ा दें, तो इसकी साइज सेलेक्ट करें पहले इसको, और यहाँ से इसकी साइज आप बढ़ा दें। इसको मैं कर लेता हूँ 16 पॉइंट। सेव टूल का इस्तेमाल करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट बहुत कंजेस्टेड हो गया है, तो इस तरीके से इसको बाहर कर सकते हैं, और फिर देख लें लेफ्ट राइट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो सेव टूल का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करें और इस तरीके से इसको बराबर कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप बाहर की लेफ्ट राइट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको मैं और नीचे कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं कंट्रोल के से कर देता हूँ ब्रेक। ब्रेक करने के बाद ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज जो है मैं छोटी कर लेता हूँ, लगभग इतना कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करें, सिंपली एक क्लिक यहाँ करेंगे, दूसरा क्लिक जो है यहाँ पर, और तीसरा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसी लाइन को जो है हम कॉपी करके यहाँ पर भी सेट कर लेंगे, तो सिंपली मिरर डुप्लीकेट कर दें और फिर यहाँ पर भी सेट कर लें। सेट करने के बाद अब इस पार्ट को भी हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, दूसरा क्लिक यहाँ करते हैं, और तीसरा इसको सीधा मिला लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन इस तरीके से देना है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ से आपका डिज़ाइन जो है वो फोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब इस पार्ट को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करें, तो सिंपली स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। अब इसको सिलेक्ट करेंगे इसी डिज़ाइन को, और आप यहाँ पर भी सेट कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करें और सिंपली यहाँ से कर दें मिरर हॉरिजॉन्टल, और इसको जो है यहाँ पर सेट कर लें, शिफ्ट के साथ कर दें पेज डाउन। अब ये लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं और टॉप साइड में ले जाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी दूरी है इससे, तो मैं यहाँ पर लाकर इसको सेट कर देता हूँ। साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्पेस शो कर रहा है, तो इतने स्पेस की आवश्यकता नहीं है।
तो इस तरीके का डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब इसका कलर भी थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, तो इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसी कलर को मैं हल्का सा डार्क कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो एक बार फिर से कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा लाइट कर दें, और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें ऑरेंज मैं भी कर देता हूँ तो शो ही नहीं कर रहा है। इसमें ब्लैक या फिर अगर आपको इसमें व्हाइट कलर फिल करना है तो इसे थोड़ा सा हमें और डार्क करना होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा लोगो डिजाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। अब मैं इसी का एक डुप्लीकेट करता हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। वैसे बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करेंगे, बस इसमें मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर सियान कलर कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको हम ग्रेडियंट बना लेते हैं। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं रिपीट एंड मिरर। अब इसको लाएंगे सेंटर में और इस पॉइंट को हल्का सा और बाहर की साइड ले जाएंगे। उसके बाद इसमें हम फिल कर लेते हैं सियान कलर इन दोनों में, और ये जो यहाँ पर फोल्डिंग हो रहा है इसमें हम डार्क कलर फिल कर लेते हैं, ये डार्क कलर, और यहाँ पर भी हम अप्लाई कर देते हैं। अब इन सभी को चाहें तो ग्रेडियंट बना लें, कीबोर्ड से जी प्रेस करें, यहाँ पर सियान कलर फिल कर लें और कंट्रोल आर का प्रयोग कर लें, फिर इसको सिलेक्ट करें, इसको भी ग्रेडियंट बना लें इस तरीके से, और फिर सिलेक्ट करें सभी को, कंट्रोल जी से कर दें ग्रुप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा लोगो डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।